कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन पुलिस ने डुप्लीकेट डीवीडी तैयार करने वाले मोहम्मद जमील को गिरफ्तार कर लिया। कई नई फिल्मों के डीवीडी कसीर तादाद में जब्त किए गए। इससे पहले भी मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। मोहम्मद जमील को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस बी लामा रेड्डी ने ये बात बताई। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश, एसआई मधु, राजशेखर मरी स्टाफ वीलू कल हिंदी लोग पूरे ये जो फलकनामा में जमील पाशा बोल के हैं, फलकनामा एरिया में रहते घर में, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से जय हो सिनेमा का पूरे डीवीडी से पायरेटेड डीवीडी खाली मूवी रिलीज हुआ। अब इनको यू नो एक डीवीडी राइटर्स है, राइटर के साथ ऑलमोस्ट ऑल 1500 डीवीडीज बनाए और इसको सेल करने के लिए देख रहा था वो इन्फॉर्मेशन आए। ये जो इनके पास ये पायरेटेड डीवीडी का ओरिजिनल बॉम्बे से एक समीर बोल के है, इनको देते हैं तो वो एक सीडी लेके पूरे राइटर के साथ इतने सीडीज बना के डीवीडीज बना के उन वीडियो शॉप्स को बेच देते हैं। इसमें एक एक डीवीडी 40-60 रुपीस में डिफरेंट वीडियो शॉप्स को इन लोग सेल करता है। जो कल ही रिलीज हुए सो मूवी है, ऐसे कभी भी कौन सा भी लेटेस्ट मूवी आए उनको पायरेट करना सबको सर्कुलेट करते हुए करते हैं। इससे पहले भी मुगलपुरा में भी ऐसी करे तो इनको एक केस डाल के भिजाए थे। इसमें टोटल 4 राइटर्स एज वेल एज और ये जो 1500 डीवीडीज सीज करे इसको फलकनामा फलकनामा इसमें एक एक में 9 रहता है। एक कॉपी लगा है डीवीडी का, एक ही बार अपने को 9 डीवीडीज बाहर आता। अभी नहीं है उन्होंने भी ओरिजिनल डीवीडीज वो वहाँ का नहीं आते, वो जो कहीं तो भी एक सिनेमा हॉल से उन लोगों का फोटो ले वीडियो से कॉपी करके उसको इन लोग डीवीडी बना के ऐसी हैदराबाद दूसरे सिटीज को उन लोग बेचते रहे। मार्केट में थोड़े बेचे बेच दिए, अभी तक नहीं बेचे। कल ही मूवी रिलीज हुआ, आज ही है सर। इनके अलावा और कोई है? यही है। एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड? क्रिमिनल बैकग्राउंड मुगलपुरा में भी लास्ट दिसंबर 2013 में भी इनको अरेस्ट करे हैं यही पायरेटेड डीवीडीज में। अब बाद में उन्होंने बिल पर रिलीज हुए, फिर ये वो सामान भी सीज हो गए, फिर भी नया सामान लेके नया सिस्टम से लेके अगेन वो ऑपरेट कर रहे हैं। Thank you.